और उधर जसपुर के ज्वेस्ट ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर ने अपनी पत्नी की मौत मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एबीपी गंगा पर गुरताज भुल्लर ने अपना दर्द बयां किया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, काशीपुर से ये तस्वीरें सामने आई थी और फायरिंग में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई थी। जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज भुल्लर की धर्मपत्नी गुरजीत कौर आज दुनिया में नहीं है। इस समय बहुत दुख की घड़ी है, मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरताज भुल्लर जी अपने 4 माह के बेटे और 3 साल की बिटिया के संग वाकई दुख मना रहे हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि इस केस की सीबीआई जांच हो और मेरे बच्चों को न्याय मिले। और जो भी मेरे साथ मुझे पता लग रहा है कि एक तो मेरा परिवार लूट गया और दूसरा ठाकुर द्वारा मेरे प्रति फर्जी मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मैं यही सरकार, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी और सेंटर में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हम जनप्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी की सेवा में 3 सालों से लगा हुआ हूँ। जब हमारे साथ ही ये सब कुछ होगा तो जो पुलिस प्रशासन का जनता पे क्या विश्वास जनता को रह जाएगा। इसलिए मैं यही सरकार से, सभी जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ चाहिए। और जो मेरे साथ हुआ है ये किसी और के साथ ना हो। सारी सरकार सबके साथ मदद करेगी। मैंने कहा अगर मैं गलत हूँ बेझिझक होकर मेरे पे सब कुछ किया जाए, लेकिन मेरी 1% भी कहीं कोई कमी नहीं थी। फिर मेरा घर बर्बाद कर दिया उन लोगों ने, यहाँ आके पुलिस वाले नहीं थे, गुंडे थे, गुंडे आप ही रखे थे उन लोगों ने। अगर उनको ठाकुर द्वारा में जाके कह रहे हमारे साथ गलत हुआ, अगर उनके साथ गलत हुआ तो गुंडा पुलिस उन्हें लेके गई यहाँ से। तो गुरताज भुल्लर की बात आपने सुनी। तो देखिए, मुठभेड़ में अपराधी को पकड़ने गई थी पुलिस और इस दौरान ब्लॉक प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई थी। हालांकि मुख्य आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब जो ये मौत हुई है उस पर काफी सवाल उठ रहे हैं, पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और अब परिजनों की तरफ से सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उन्हें न्याय दिलाया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जसपुर में यूपी पुलिस के रेड के दौरान महिला की मौत का मामला गरमाता जा रहा है। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, किसके दबाव में है, अपराधियों में डर भय क्यों खत्म हो गया है, जंगल राज कायम हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हमारा कहना है कि सरकार को अगर थोड़ी भी नैतिकता है, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जसपुर की घटना हुई है, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा कि वो एक ऐसी घटना हुई है कि जिससे हम लोग व्यथित हैं, दुखी हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो और कानून व्यवस्था में जो है कि और अधिक तेजी लाई जाए, इन सब विषयों को लेकर के सरकार संवेदनशील है और काम भी कर रही है। तो जसपुर में फायरिंग में महिला की मौत के मामले पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इसकी जांच कर रही है। इसमें चूंकि दोनों राज्यों का मामला है, हमने कहा है कि विधि सम्मत जो भी कानून का काम, कानून अपना काम करेगा, उसमें हमारी तरफ से पूरी तरह से यही कहा गया है कि निष्पक्ष उत्तराखंड सरकार निष्पक्ष तरीके से उसको कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी और जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, उसका प्रश्न होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।